कर्नाटक चुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, लेकिन इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दरअसल भाजपा की सूची में छत्तीसगढ़ से किसी का भी नाम नहीं है, जबकि कांग्रेस की सूची में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है। इसी को लेकर कांग्रेस भाजपा पर अब तंज कस रही है। यूं तो कर्नाटक छत्तीसगढ़ से भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद अलग है। वहाँ चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। स्टार प्रचारकों का ऐलान भी कर दिया गया है। भाजपा की सूची में छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत एक भी नाम शामिल नहीं है। वहीं इसे लेकर जुबानी जंग भी छिड़ गई है। भाजपा नेताओं को महत्व नहीं मिलने पर सीएम भूपेश बघेल तंज कसते नजर आ रहे हैं। वही भाजपा बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी मौका नहीं मिला। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ ऐसा कुछ है। देखिए, कांग्रेस के पास गिने चुने नेता हैं। जो लोग जमानत जब्त करवाते हैं उनको फिर से स्टार प्रचारक बनाया जाता है। राहुल गांधी ने हर चुनाव में कांग्रेस को हार दिलवाई। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में अपने नेतृत्व में चुनाव प्रचार किया और उसके बाद कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये लोग स्टार प्रचारक बने रहेंगे क्योंकि ऑप्शन नहीं। हमारे पास तो कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं, हमारे पास कई केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे पास संगठन में कई कर्मठ नेता हैं, कार्यकर्ताओं की फौज है। इसलिए समय समय पर जहां जिसकी आवश्यकता होती है चले जाता है। लेकिन चूंकि कांग्रेस में नेताओं का अकाल है, हराने वालों को फिर से जिम्मेदारी मिलती है। असम से लेकर उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक तक स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम भूपेश बघेल का नाम कांग्रेस ने शामिल किया है। उन्हें बतौर सीनियर ऑब्जर्वर जिम्मेदारी भी दी गई, जबकि भाजपा में प्रदेश के नेताओं को कहीं भी प्रचार का मौका नहीं मिला। इसे छत्तीसगढ़ी अस्मिता से जोड़कर कांग्रेस प्रदेश का अपमान बता रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।